अब मान लीजिए ये हमारा मटेरियल है, हमने इसमें ऑलरेडी फाइल कॉपी किया हुआ है, तो हमें फाइल को रन करना है, तो कैसे रन करेंगे? सबसे पहले ये हमारा फर्स्ट पेज है, अब क्या करना है? सबसे पहले अगर इसके अंदर से मुझे फाइल निकालना है तो ये देखिए हमारा फर्स्ट पेज है, यहाँ पे ये हमारा सेकंड पेज है, सेकंड पेज पे क्लिक करेंगे ये फाइल का ऑप्शन दिखेगा आपको, फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल्स फाइल्स दिखेंगे आपको, जो भी फाइल आपको कटिंग करना है उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद बट सर शुरू शुरू में जैसे हमारे यहाँ मशीन जाएगी तो उसमें तो कोई फाइल होगी नहीं, तो वही पेन ड्राइव से फाइल लेके जाना, ठीक 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 है, बताए थे जी जी। उसके बाद क्या करना है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप ये आपका मान लीजिए मटेरियल ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, हमको और नॉजल यहाँ पे हमको यहाँ से कटिंग करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले वहाँ पे आ जाएंगे, ये देखिए ये स्लो करता है, वापस क्लिक तो फास्ट हो जाएगा, ठीक। ये देखिए आ गए यहाँ पे, और हमने क्या बोला था, मटेरियल और नॉजल के बीच में कितना एमएम का गैप, चार से पाँच। तो कुछ ऐसा चीज ले लीजिएगा जिससे मेजर हो पाए, जैसे हमें तो अनुमान है कि 4 से 5 mm अभी नहीं है, अभी हो गया, ठीक है, हमें अनुमान है। तो आप लोग क्या करेंगे, एक 4 से 5 mm का कोई एक्रेलिक का टुकड़ा या फिर कुछ भी ऐसा चीज ले लेंगे, स्केल के माध्यम से, स्केल के माध्यम से अपना मेजर कर लेंगे, ठीक है। जैसे हम कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि फिंगर सेंस कर ले और चल जाए, नहीं, जब तक यहाँ के जब तक यहाँ कमांड नहीं देंगे। अब ये हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से काटना है, यहाँ से काटना है तो हमें ओरिजिन करना है। अब मशीन समझ गया कि हमको यहीं से काटना है। अभी हमने जो फाइल सेलेक्ट किया था, ये देखिए फाइल जो सेलेक्ट किया था, इस फाइल का क्या नाम है, MR31 है ना, उसको सेलेक्ट किए हैं। अभी देखिए इसके अंदर का जो सेटिंग, अब हम इस फुट पे काम कर रहे हैं ना, फुट पे काम कर रहे हैं, इसे हो सकता है पेपर पे भी काम कर सकते थे, ठीक। तो जिस चीज पे काम करेंगे उसका हम आपको, आप लोगों को लिस्ट शेयर कर देते हैं, मटेरियल किस मटेरियल पे कितना पावर स्पीड लगाना है। तो सबसे पहले आ जाएंगे कहाँ पे, पैरामीटर पे। तो ये जो आपको 315 का पावर दिख रहा है ना, ये इसका नहीं है, ये मैनुअल है, मतलब ये जो मूवमेंट कर रहा है ना, ये 300 वाला है, ये मैनुअल वाला। अगर हम इसको 50 कर देंगे तो ये 50 के स्पीड से मूव होगा, ये देखिए, ठीक। अगर फाइल में चेंज करना है तो हम वहाँ से चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। और ये जो आपको पावर दिख रहा है ना, वो जो हम अभी टेस्टिंग कर रहे थे उसके पावर है, देखिए अभी देखिएगा आगे, ये देखिए दिख रहा है उधर लेजर आ रही है थोड़ा थोड़ा। अभी देखिए हम इसका पावर बढ़ा देते हैं, 80 कर देते हैं, ठीक। अभी देखिए पावर बढ़ गया, तो ये क्या था, ये मैनुअल पावर था, ठीक। इस जॉब के पावर को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इस जॉब के पावर को बढ़ाने के लिए कहाँ पे क्लिक करना होगा, फाइल के नेम पे। तो फाइल का नाम कहाँ है, यहाँ पे है, MR यही वाला था, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि ये कटिंग अब फाइल है जिसमें 100 का स्पीड और 50-40 का पावर दिख रहा है। हमने इस फूट के लिए कितना पावर बताया था, कटिंग के लिए 35 से 40, और स्पीड कितना बताए थे, 15 से 20 कर लेंगे स्पीड, और पावर कितना कर लेंगे, 40, ठीक है। अब ये लगभग में पैरामीटर सेट है, यहाँ पे ओरिजिन कर लेंगे, बॉक्स करके देख लेंगे कि हमारा जॉब का एरिया कितना है, तो बता देगा ये है, ठीक है। अभी ठीक है, बॉक्स करके ये बता देगा कि ये जॉब का एरिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट। सर इसमें क्या हम क्या क्या कर सकते हैं, कार्डबोर्ड इस मशीन में, कार्डबोर्ड मेटल नहीं, नॉन मेटल जितना भी है आप सारे काम कर सकते हैं। बूट जो है 6 mm 7 mm तक कर सकते हैं, बाकी उसके ऊपर जाएंगे तो CNC में जाना पड़ेगा।
भी चाल दिया है कुछ दिन के लिए चल नहीं के लिए नहीं कहा जा सकता।